24 तारीख को मेरिट लिस्ट जो आया उसके लिए क्या नीम के एडवर्टाइजमेंट का नियम क्या था? फर्स्ट था ये कैटेगरी, थर्ड की कैटेगरी में वही लोग भर सकते हैं जो NIT या इंजीनियरिंग कॉलेज से व्याख्याता है या रिटायर्ड हो चुके हैं। बी कैटेगरी में वो लोग थे जो या तो डिफेंस से या टेक्नीशियन सुपरवाइजर में से रिटायर हुए हैं, उनके लिए था। सी में क्या था? हमारे बीटेक के लिए, डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए, CTI के लिए था। और यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो है 99% लेकर के आए हैं, जबकि ए और बी का लिस्ट में नाम केवल दिया गया है। किसी का नाम नहीं है। सी में जितने भी कैंडिडेट है उनमें से एक का भी नाम नहीं है। और जबकि देख लीजिए एक इसमें ए और बी में कौन लोग हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो लोग गलती से फॉर्म ए बी कैटेगरी में अप्लाई किया है, उनको अभी रिक्रूटमेंट के लिए आगे आप लोग की रणनीति क्या है? हम लोग की मांग यही है कि जो CITS जो होता है इसलिए अनिवार्य करे, CITS का अनिवार्य करे हम लोगों के लिए, उसके आधार पे हम लोगों को वरीयता मिले और हम लोग का सिलेक्शन फर्स्ट हो। आपकी बात नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग यदि सरकार ने सबसे पहले इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS को अनिवार्य किया था और हम लोग एक साल गरीब का बच्चा एक साल कहीं जाके कोर्स किया हुआ है सर, यदि उसका अभी मान नहीं देगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे बिहार में सर। और इस तरह से सर BSPCL में भी इस तरह से धांधली किया हुआ सर, हम लोगों का मेरिट नहीं बना, कैसे स्कोर कार्ड जारी कर दिया सर। और बिहार में कोई भी नौकरी सर ऐसी आती है जिसमें धांधली नहीं होता है सर। DGT ने पहले रूल बनाया था कि कोई भी नौकरी के लिए CTI अनिवार्य है, ITI कॉलेज के इंस्ट्रक्टर के लिए सर। हम लोग ITI CTI किए हुए सर, हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सर, हम लोग इसके सर काबिल है सर, हम लोग को सर नहीं लिया जा रहा है सर। इसमें कैटेगरी और सर, हम लोग युवा को बेरोजगार रख रहा है सर और जो रिटायरमेंट कर दिया उसको नौकरी दे रहा है सर। हम लोग क्या करें सर? क्राइम करें? क्राइम सर, तब जाके पैसा आएगा सर। ये बहाली करना था जो इंजीनियरिंग कॉलेज से रिटायरमेंट जो इंजीनियर है वह सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आएंगे। बी में उसी प्रकार से था जो सेवानिवृत्त होने के बाद, सी में था कि जो CTI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, ITI किए हैं उनके लिए था, डिग्री किए भी हुए डिग्री के लिए मतलब जो फ्रेश था उसके लिए था। आज जो लिया जा रहा है जो अभी जिसका उम्र नहीं हुई रिटायरमेंट के 1998 का जाना है, क्या डिमांड किया आपने सरकार से? हमको मेरी डिमांड यह है कि हमारी जो CTI जो पास हुए उनको मिला जाए।